Tip of the day. I am Pi. My value is 3.14. Archimedes first calculate me. Assalamu alaikum students. Aaj hum class 5 ki science ke chapter number 2 microorganisms ke bare mein padhte hain. हमने पिछले लेक्चर में माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के ग्रुप्स जैसा कि वायरस बैक्टीरिया और फंजाई को डिस्कस किया था आज हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कुछ खुर्दबीनी जानदार माइक्रोऑर्गेनिज्म्स बीमारी नहीं फैलाते बल्कि फ़ायदेमंद होते हैं जैसा कि गिजाई अशिया की तैयारी मेकिंग फूड इसी से मुतालिक एक एनिमेशन से समझते हैं खुराक में मदद हेल्प इन डाइजेशन अद्वायात की तैयारी मेकिंग मेडिसिन खुर्दबीनी जानदारों के नुकसान डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी डिजीजेस खुराक का खराब होना स्पॉइलेज ऑफ फूड अब एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं फंजाई के फवायद और नुकसान यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई हमारे इब्तदाई सेशन में हमने बैक्टीरिया के फ़ायदेमंद और नुकसानदेह असरात के बारे में सीखा था इसी तरह फंजाई के भी फ़ायदेमंद और नुकसानदेह असरात होते हैं चलिए अब इनके बारे में सीखते हैं फंजाई के फ़ायदेमंद असरात अपने इब्तदाई सेशन में हमने एक स्पेशी पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में सीखा था जो कि दवाई में पहली एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका नाम पेनिसिलिन है पेनिसिलियम की स्पीशीज ना सिर्फ अद्वायात में इस्तेमाल होती हैं बल्कि खुराक की तैयारी में भी इस्तेमाल होती हैं पेनिसिलियम फ्लेवर चीज़ की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है फंजाई के नुकसानदेह असरात फवायद के अलावा फंजाई के नुकसानदेह असरात भी होते हैं जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं ये खुराक को ख़राब कर देती है ये फ्रूट्स और ट्रीज़ को भी तबाह करती है दो मशहूर आम मोल्ड्स यानी फंगस पेनिसिलियम और एस्पैरिजिलस हैं जिन्हें ग्रीन और ब्लू मोल्ड्स भी कहा जाता है आमतौर पर हम इस तरह की फंजाई ऑरेंजेस लेमन्स और सिट्रस फ्रूट्स पर देख सकते हैं ये फंजाई बीमारियां पैदा करती है जैसा कि रिंगवर्म चलिए अब बैक्टीरिया की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में सीखते हैं जो खुराक को ख़राब करते हैं बैक्टीरिया ख़राब करते हैं पकी हुई खुराक को दूध फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह को बाज़ुकात ख़राब खुराक को इस्तेमाल करना ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है टिंट और सील्ड फूड के केस में एक ख़ास किस्म का बैक्टीरियम ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग की वजह बनता है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं टिम्स बहुत छोटे जानदार हैं इनकी तीन अकसाम हैं बैक्टीरिया वायरसेस और फंजाई जो कि यीस्ट और मोल्ड्स की तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जो कि खाते भी हैं और बढ़ते भी हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल भी होता है आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि जब हम कुछ यीस्ट को पानी में मिक्स करते हैं और अगर हम खुराक के लिए शुगर और गर्म माहौल मुहैया करते हैं तो ये मिक्सचर झागदार हो जाएगा और जैसे जैसे यीस्ट बढ़ेगी तो गैस खारिज होना शुरू हो जाएगी अलबत्ता अगर आप यीस्ट को खुराक और गर्म माहौल से महरूम रखते हैं तो ये नशोनुमा नहीं पाएगी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़तरनाक होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में जरासीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि बीमारियां पैदा करते हैं मीज़ल्स रुबेला और कॉमन कोल्ड इन बीमारियों की मिसालें हैं जो कि वायरसेस की वजह से पैदा होती हैं वायरसेस एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने खांसने और छींकने से ट्रांसफ़र होते हैं और इस वजह से बीमारियां फैलती हैं दांतों के टूटने का अमल बैक्टीरिया की वजह से होता है ये हमारे दांतों और मसूड़ों के साथ लगे हुए खाने के ज़र्रात को खाते हैं और एसिड खारिज करते हैं जो कि दांतों के ऊपर वाले खोल को अपने अंदर हल कर लेता है इसलिए हमें बाकायदगी से ब्रश और फ्लॉस करना चाहिए
ताकि हमारे दांतों में लगे खाने के ज़रात और प्लेक ख़त्म हो जाएं और हम इन बैक्टीरिया से महफूज रहें जो कि दांतों के गिरने का बाइस बनते हैं। कुछ बैक्टीरिया खाने में नशोनुमा पाते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। खाने को अच्छी तरह से पकाने से ये बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं और बैक्टीरिया के फैलाव को रोकने के लिए हमें अनकुक्ड खाने को पके हुए खाने से अलग रखना चाहिए। कुछ खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं और अगर इनको ठंडी जगह पर उढ़ाप कर ना रखा जाए तो ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर खाने पीने की अशिया को ढाँप कर ठंडी जगह पर या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि ये ख़राब होने से महफूज रहें। गलने सड़ने का अमल हमेशा बुरा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मादे की तोड़ फोड़ का अमल भी करते हैं, जैसा कि पौधों और जानवरों का वेस्ट जो इनसे न्यूट्रिएंट्स खारिज होते हैं जो कि मिट्टी और पानी में दोबारा शामिल हो जाती हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जानवरों और पौधों की तोड़ फोड़ का अमल ना करें तो हमारे इर्द गिर्द मरे हुए पौधों और जानवरों के ढेर मौजूद हों। कुछ बैक्टीरियाज, यीस्ट और मोल्ड्स खाने पीने की अशिया जैसा कि दही, डबल रोटी और चीज़ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद है आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है और किसके ज़रिए फैलता है और इससे बचने के लिए क्या तरीके हैं। इन्फेक्शन पौधों और जानवरों के अजसाम पर बीमारी पैदा करने वाले खुर्दबीनी जानदारों के हमले को इन्फेक्शन फैलाना कहते हैं। मुतद्दद बीमारियाँ एक दूसरे से फैलती हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, पोलियो एट्सेट्रा। ये डिफरेंट ज़राए से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, हवा के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, जानवरों के ज़रिए वगैरह। मुख्तलिफ तरीक़ों से इससे बचा जा सकता है। एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए समझते हैं कि पैथोजेंस बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो पैथोजेंस किस तरह फैलते हैं? ये बहुत से तरीकों, मसलन छूने से, पानी से और हवा से फैलते हैं। मुख्तलिफ पैथोजेंस मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मतहत फैलते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, जबकि कॉलरा पानी से पैदा होने वाली बीमारी है और HIV बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है, जबकि एथलीट्स फुट छूने से पैदा होता है। इनके फैलने को कैसे रोका या कम किया जा सकता है? जिस बीमारी को आप कम करना चाहते हैं उसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। कुछ हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की मदद से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसा कि फ्लू और कॉमन कोल्ड। इनसे बचने के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और तमाम जगह को साफ सुथरा रखें और छींकने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि हाथों को धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने से बहुत से बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। 350,000 लोग हर साल फूड पॉइजनिंग की वजह से मर जाते हैं। हाथों और चीज़ों को साफ पानी से अच्छी तरह धोने से इससे बचा जा सकता है और खाने पीने की चीज़ों को महफूज दर्जे हरारत पर पकाना चाहिए ताकि बैक्टीरियल पैथोजेंस को मारा जा सके। ऐसे बैक्टीरिया जो कि डायरिया और कॉलरा जैसी बीमारियां पैदा करते हैं, उनसे बचने के लिए लोगों की रसाई साफ पानी तक होनी चाहिए और सेवरेज का निज़ाम सही होना चाहिए। हाथों को सही तरह धोकर, पानी को उबालकर और जगहों को साफ रखकर भी इससे बचा जा सकता है। मलेरिया और येलो फीवर दोनों मच्छर से फैलते हैं और लाइम डिजीज को टिक्स की मदद से फैलते हैं। वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेंस को एक होस्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें वेक्टर को कंट्रोल करना होगा और इंसानों को इन वेक्टर से बचाना होगा। मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करने चाहिए और पूरे बाजू वाले कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए और मुख्तलिफ स्प्रेस इस्तेमाल करके इन वेक्टर्स को कम किया जा सकता है। अलबत्ता ये एक टेक्निक और महंगा तरीका है। रेबीज जैसी मोहलिक बीमारी से बचने और इसको रोकने के लिए लोगों को आइसोलेट करना पड़ सकता है जो कि एक दूसरे से फैलती हैं। पैथोजेंस को रोकने और ख़त्म करने का एक तरीका वैक्सीनेशन भी है। हम जिसमें डेड और इनएक्टिव पैथोजेंस की थोड़ी सी मकदार को इंसानी जिस्म में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके नतीजे में इंसानी जिस्म एक ख़ास पैथोजेंस के खिलाफ हमले के लिए तैयार करता है।
اگر کبھی ہم اس پیتھوجن سے متاثر ہوں تو یہ ہمارے جسم کو اس پیتھوجن کے خلاف حملے کے لیے تیار رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری واٹر ویکسینیشن کی ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ پیتھوجنز بیماری پیدا کرنے والے مائکرو آرگینزمز ہیں۔ ان میں بیکٹیریاز، وائرس، فنجائی اور پروٹیسٹ شامل ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں ان کے ٹرانسفر ہونے کے طریقے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو بنیادی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم کچھ سوالات کے جواب سوچتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فنجائی، وائرس، بیکٹیریا یا پروٹوزوا؟ کریکٹ، بیکٹیریا۔ پہلی اینٹی بایوٹک کہاں سے تیار کی گئی؟ بیکٹیریا، ییسٹ، پینسیلیم، مشروم۔ ویری رائٹ، پینسیلیم سے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور گھروں میں محفوظ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔